देन देखो, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन? ऑफ कोर्स 150 लाख, राइट? इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट इट इज 75। तो देखो दिया है, एक्स इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन मेघालय, मेघालय स्पेशल कैटेगरी स्टेट, टू ऑफ कंपोजिशन लेवी, द टर्नओवर लिमिट 70। देन मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी, उसने कंपोजिशन लेवी में लिया। ही परचेज द गुड्स ए एंड पेड द जीएसटी ऑफ 50 लैक्स ऑन सच अ परचेज, आईटीसी शॉल अलाउड शॉल बी। देख सब, तो ये मिस्टर एक्स था, उसने गुड्स ए परचेज की है ना, मिस्टर एक्स और कंपोजिशन में रजिस्टर्ड और उसने जीएसटी पे किया, क्या ये जीएसटी का इसको क्रेडिट मिलेगा? कंपोजिशन वाला जो पर्सन रहता है, हमेशा याद रखना, ये कंपोजिशन डीलर कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता, नो आईटीसी। इसका रीजन है क्योंकि ये जब गुड्स को बेच रहा है, ये जब सेल कर रहा है आगे, तो उस केस में ध्यान दो ना, उस केस में ये जीएसटी लगा के नहीं दे पा रहा, राइट? और ये एकदम कम रेट में, मतलब 0.5% या 1% या 2.5% से रेट लगा रहा है, राइट? तो फिर ऐसे केस में आगे आउटपुट पे रेट इतना कम है तो इनपुट पे उसका आईटीसी अलाउड नहीं, कभी भी अलाउड नहीं, राइट? तो नो क्रेडिट शॉल बी अलाउड, क्योंकि वो आउटपुट पे बहुत कम टैक्स पे कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनपुट पे कोई क्रेडिट उनको नहीं। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग अ कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई? क्या वो कलेक्ट कर सकता है? ऑफकोर्स नॉट। वो जो टर्नओवर है वो टर्नओवर पे उसे टैक्स भरना पड़ेगा, वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, सिंपल, नो टैक्स वुड हैव बीन कलेक्टेड, नो, राइट? एंड लास्ट, मिस्टर एक्स अ ट्रेडर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर अ कॉइन पोजिशन स्कीम ऑफ टैक्सेशन अंडर जीएसटी, डिटरमीन द रेट ऑफ, ऑफकोर्स अगर ये क्या है, ट्रेडर है, तो आपको 0.5 भरना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट सप्लायर सर्विस है तो 2.5, मैन्युफैक्चरर है तो भी 0.5।